थी। और हम यहाँ पे मंदिर आए हुए हैं और मंदिर से अभी बस पूजा ख़त्म करके हम जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि आज एक्चुअली मेरी छोटी बहन आ रही है बेंगलोर से। वो करीब निकली हुई थी 6:50 को बेंगलोर से, तो यहाँ पे उसकी फ़्लाइट 9 बजे करीब पहुँचेगी, तो अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लेट हो जाएगा हमें पहुँचते। तो चलिए फिर मैं एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ और उसे पिक करती हूँ। और बस बहुत टाइम के बाद जैसे कि मिले, तो ऐसे बातचीत में कैसे दिन निकल गया पता नहीं चला। तो यहाँ पे अभी आफ्टरनून के टाइम है और मैं उसके लिए अभी यहाँ पे फालूदा बना रही हूँ, जो उसकी बहुत ही फेवरेट है। और फालूदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो भी फ्रूट्स है उसे कट कर लिया है और बाकी सेमाया भी बना लिया है। चिया सीड्स को मैंने पहले से ही सोख करके रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने पहले रूह अफ़ज़ा दे दिया है ग्लास में, तो उसके बाद चिया सीड्स एंड सेमाया भी ऐड कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे अभी सेमाया ऐड करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे और थोड़ी सी चिया सीड्स मैंने ऐड कर दिया है, उसके ऊपर टॉपिंग जैसा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स दिया है, जो वाटरमेलन है इसे मैंने कट किया है, मतलब लंबे लंबे पीसेस में कट किया है, तो उसको मैंने यहाँ पे वाटरमेलन दे दिया है। यहाँ पे फिर और एक बार मैंने चिया सीड्स भी ऐड की हुई हूँ, उसके ऊपर और एक बार सेमाया भी दे दी। सेमाया के ऊपर यहाँ पे मैंने मैंगो कट करके रखी हुई थी, तो मैंगो को भी दे दी, जो आपको अच्छा लगे जो भी फ्रूट्स आप दे सकते हैं। तो ये दो फ्रूट्स हमें बहुत अच्छे लगता है, मैंगो एंड वाटरमेलन, तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ दोनों ही फ्रूट्स ऐड की हुई है। आप अगर चाहें तो और भी जो आपको पसंद है वो सारे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी ये सारा कुछ ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे वनीला आइसक्रीम ऊपर में टॉपिंग कर दी है, तो आपको जो भी आइसक्रीम पसंद आया आप दे सकते हैं। मुझे वनीला आइसक्रीम अच्छा लगता है फालूदा में, तो मैंने यहाँ पे प्लेन वनीला आइसक्रीम दी हुई हूँ और ऊपर से रूह अफ़ज़ा भी टॉपिंग की हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह ये ग्लास अभी दिख रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मिली को भी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो फालूदा। तो देखिए, आपको अगर पसंद आए आप ज़रूर घर में बनाइए, ये समर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें फ्रूट्स वगैरह भी रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इवनिंग के टाइम है, मिली आने के बाद बस घर पे ही हम लोग रुके हुए थे क्योंकि इतना धूप था, वो भी काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो हम लोग सोचे कि एकदम से इवनिंग को ही निकलते हैं। तो अभी इवनिंग में हम लोग जा रहे हैं वेस्ट साइड शॉपिंग के लिए, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वेस्ट साइड में हम लोगों दोनों ने क्या क्या किए वहाँ पर।
पे हम आपकी वेबसाइट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैं कुछ मेकअप किट देख रही थी, तो मेकअप किट में क्या क्या मुझे लेना चाहिए क्या नहीं, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट की डिटेल ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक बस छोटा सा एक मेकअप भी कर रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं कैसे मेकअप ये करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेकअप से पहले ड्रेस चेंज की हुई थी और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मेकअप से पहले ही ड्रेस चेंज कर ली हुई थी और अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा ये जो क्विक मेकअप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मेरे मेकअप ख़त्म होने के बाद मेरी शूज़ देख रही है, तो काफ़ी अच्छा समर के लिए शूज़ यहाँ पे है और काफ़ी अच्छे सूदिंग कलर में भी सारे शूज़ हैं।
तो बस सूच ऑलमोस्ट सिलेक्शन हम लोग कर लिए हैं, तो बहुत सारा शॉपिंग हम दोनों बहनों ने मिल के ही किए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी जो भी शॉपिंग है हम लोग क्या क्या और ख़रीदते हैं मैं आपको घर पे जाके दिखाती हूँ। मैं आपको घर पे दिखाती हूँ कौन सा सूट हम लोग लिए हैं। तो और भी बहुत कुछ शॉपिंग किए, वो आती है तो हम दोनों बहनें निकल पड़ते हैं शॉपिंग के लिए। तो चलिए मैं घर पे जाके आपको दिखाती हूँ क्या क्या हम लोग ख़रीदे हैं। चलिए फिर घर पर हमें आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे घर हम आके पहुँचते हुए बहुत लेट हो गया है, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।